हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारा गाड़ी कैसे अनलोड होता है और फिर जहाज पर कैसे लोड होता है। आप देख सकते हैं, ये रहा माल पास में और ये जो सामने मशीन दिख रहा है ना, इसी के द्वारा उठाकर वो बेल्ट से आपका उधर से आता है और ये रही जहाज जिसपे आपका माल लोड हो जाता है। तो अभी इस पे लोडिंग चालू है आयरन का, तो देख सकते हैं आप लोग वहाँ पे एक पॉइंट खाली है, यहाँ पे जहाज लोड होता है। दो, एक और दो, यहाँ पे फिलहाल दो जहाज लगा हुआ है और बाकी जहाज सब अंदर लगा है। यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ आपको, देख सकते हैं ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ऐसे ही पहाड़ पर गाड़ी धीरे धीरे एकदम घूमते घूमते, ये बहुत लंबा घाटी है, काफी पानी घाटी है, मशहूर घाटी है। और पहले सिंगल रास्ता था, अभी तो खैर डबल हो गया है, ऐसे चलते चलते पूरा जाएगा, तकरीबन ये 30 किलोमीटर का है घाटी है। रात को तकरीबन 2 बजे ये टायर पंचर हो गया आगे का सेकेंड वाला, इसको अभी खोल रहे हैं और खोल के चेंज करेंगे, लिफ्ट वाला टायर लगा देंगे, लिफ्ट वाला भी खोल दिया हूँ, बैठ गया था पूरा दिख रहा था, डबल जंप लगाना पड़ा, अभी थोड़ा चेंज कर लें, इसलिए पूरा सीरियल लगा है ना, माइंड में पूरा जगह नहीं था गाड़ी साइड करने के लिए, तो यहाँ रात में साइड थी 2 बजे। अभी फिर जाम लग गया, टायर तो लगा लिए, स्टेपनी इसलिए नहीं लगाया कि हमको उसमें हवा कम लग रहा है थोड़ा सा, पता नहीं टायर कैसा है कैसा नहीं, अब लिफ्ट हो गया 2 चक्कर चला के, इसीलिए लिफ्ट लगा दिए। अब निकलते हैं धीरे धीरे, ये जो रात में पंचर हुआ था वो टायर यहाँ पे इसमें बदले थे, उसको फिट कर दिया, अभी खोल के पंचर बनवा रहे हैं यहाँ, देखिए यहाँ पे पंचर था इसका, कांटी मार दिया था यहाँ पे, अभी कांटी तो निकाल के फेंके हैं, देखिए इसको निकालने में टेढ़ा हो गया है, ये सीधा था वहीं अंदर में कांटी तो था, और देखिए नया फ्लैप है जो निकालने में मिस्त्री फाड़ दिया है इसको, तो दूसरा डालना पड़ेगा, बोलता है फटा हुआ था, थोड़ा सा फटा था, टाना तो ज़्यादा फट गया। गाड़ी यहाँ पे खड़ा आप रखे उधर में, देखते हैं कब तक होता है, उसके बाद फिर निकलेंगे आराम आराम से। अभी टायर पंचर बना के जस्ट निकले हैं, और जब जैसे हम वहाँ टायर बनाने के लिए रुके थे वैसे ही, मतलब कि 1-2 मिनट पहले ही, मतलब कि एक्सीडेंट एक हुआ था सामने में, और उस वक्त इतना जाम लग गया था गाड़ी, इतना जाम लग गया था कि 3 लाइन लगा, और एक बाइक वाले और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जो स्पॉट पे बाइक वाला खत्म हो गया, बहुत ही अफसोस की बात है, और गलती किसमें था ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि हम भाई पीछे में थे, तो 3 घंटा हम वहाँ पे खड़े रहे, क्योंकि एक टायर वाला था नहीं और टायर हम वहाँ खोल दिए थे, तो वो 1-1.5 घंटा के बाद आया, उसके बाद धीरे 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 हमारा काम किया, तो 3 घंटा के बाद हम वहाँ से चले हैं, अभी तक ये रास्ता पूरा क्लियर हो गया है, और वो स्पॉट का जगह भी हमको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ हुआ था कि आगे में और हुआ था, देख रहे हैं पूरा रोड जो है पूरा गाय यहाँ का ब्लॉक करके रखता है, और कोई भी नहीं है चराने वाला, कोई नहीं देख रहे हैं चराने वाला, इनको कोई नहीं है, सब कोई अपने अपने घर में है, ये रोड पे चलेगा लो एक्सीडेंट ऐसे ही होगा, तो सामने से देखिए एक आ रही है, एक छोटा बच्चा है, पता नहीं रोड के ऊपर में कौन सा चरी है इन लोगों का, देख रहे हैं छोटा बच्चा एक साथ में इसका। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अभी सुबह का तकरीबन 5 बज रहा है, हम लोग अभी घुसे एयरपोर्ट के अंदर, मतलब इतना दिन हो गया चलाते हुए गाड़ी, लेकिन आज पहली बार एक दिन में लोड करके दूसरा दिन में हम लोग पोर्ट में घुस रहे हैं बगैर नंबर काटे हुए, क्योंकि त्यौहार चल रहा है, अभी कुर्बानी भी था और यहाँ टोड़ियों का रजो भी था, जिसके वजह से काफी ड्राइवर छुट्टी पे हैं और गाड़ी पूरा पोर्ट में फाका था। देख सकते हैं उधर जहाज लगा हुआ है, वो आगे जो क्रेन दिखा रहा है वहाँ पे कोयला लोड हो रहा है, और ये वाले जहाज पे आयरन लोड हो रहा है, ये जो लाल दिख रहा है ना आपको, ये देखिए इस पे इसका ये हेड है जो ऊपर लिखा हुआ है APJ। अब APJ का फुल फॉर्म क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन उधर एक काला में लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, उस पे हिंदी में लिखा हुआ है,
वो जो ब्लैक में उधर जहाज जो खड़ा है उस पर लिखा हुआ है एपीजे इंद्राणी। अब इस पर एपीजे लिखा हुआ है, अरे नहीं ऊपर लिखा हुआ है एपीजे अनगार्ड 2। पता नहीं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देख सकते हैं ये जहाज लगने का ट्रिक लाइन है, एक जहाज खाली है जगह वो वहां पे लगेगा। यहाँ पे जहाज लोडिंग होता है उस साइड में 3 पॉइंट है, उसके आगे में 3-4 पॉइंट है, और इधर नया बना हुआ है इस साइड में जाकर 3-4 पॉइंट है यानी, और उधर जो है 4-5 नंबर गेट तक उधर है। कम से कम 14-15 पॉइंट है जहाँ पे जहाज लगकर लोड होता है या अनलोड होता है। तो देख सकते हैं अभी आप लोग यहाँ पे जहाज लोडिंग अनलोडिंग का पॉइंट है उधर में, और इधर में हम लोग का ट्रक का अनलोडिंग का पॉइंट है। ये रहा माल जो तिरपाल से लोड हुआ है, और ये बगल में आप कोयला देख सकते हैं। तो यहाँ पे माल हम लोग अनलोड करते हैं और बेल्ट द्वारा जाके जहाज पे लोड हो जाता है।